बात करते हैं यहां पर उस पारी की जिसने सभी को हैरान कर दिया था, चौंका दिया था और जिस चीज के सपने अभी भी पाकिस्तान की टीम को आते हैं। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2022 मेलबर्न का वो मैदान था जहां पर T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का वो मुकाबला खेला गया था, जहां पर विराट कोहली ने नाबाद 82 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को एक ऐसी जीत दिलाई थी जिसके बीच में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया इस मुकाबले को भी जीत सकती है। आपको याद होगा हारिस राउफ को विराट कोहली ने वो दो छक्के लगाए थे जिसकी चर्चा, जिसकी वीडियो क्लिप, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के जहन में अभी तक जिंदा है और उसी चीज को लेकर एक बार फिर से अब बयान दिया है पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने और उन्होंने एक बार फिर से विराट कोहली की उस पारी की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि मेरे जहन से अभी भी वो पारी निकल नहीं पा रही है। एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए शाहीन अफरीदी ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने जो 82 रनों की नाबाद पारी खेली थी वैसी अद्भुत पारी उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी है। जिस तरीके से उन्होंने हारिस राउफ को छक्का लगाया वो अविश्वसनीय था। वो अकेले दम पर भारत को जीत की राह पर ले गए थे। राउफ को तो जो दो छक्के उन्होंने लगाए थे, खासकर पहले वाला छक्का, क्रिकेट इतिहास के श्रेष्ठ छक्कों में से एक माना जाता है। अभी भी यानी कि आप ये चीज सोच सकते हैं, शाहीन अफरीदी हो चाहे हारिस राउफ हो, वो लगातार उस मैच के बारे में जिक्र करते हैं और आप सभी लोग भी उस मैच को अभी तक याद करते हैं जिस तरीके से वो अविश्वसनीय जीत विराट कोहली ने भारत की झोली में डाली थी और वो स्ट्रेट छक्का बैकफुट पर जो लगाया था हारिस राउफ को, इतनी तेज गेंदबाजी पर लगभग 145-146 की वो गेंद थी, उसको छक्का लगाया था और वो चीज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सपनों में, उनके जहन में अभी भी याद है और उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ पारी, सर्वश्रेष्ठ छक्का, ये चीज जो है वो अभी भी एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या शाहीन शाह अफरीदी के दिमाग में अभी भी ये चीज चल रही है? लेकिन आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या मानना है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, आप अपनी राय इस पर जरूर दे सकते हैं।